आज हमारी किचन में बनेगा पनीर लबाबदार, वो भी ढाबा स्टाइल। और हमारी ये रेसिपी गारंटी वाली रेसिपी थी, यानी टेस्ट की गारंटी, और आफ्टर सेल सर्विस भी है, यानी अगर इस रेसिपी को बनाते वक्त कोई कष्ट, कोई दुविधा है, उसे नीचे कमेंट्स में लिखे, जवाब तसल्ली बख्श दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं पनीर लबाबदार। तो जी, लबाबदार बनाते बनाते पहले लबाबदार का मतलब हमें जानना ज़रूरी है, क्योंकि वही इसके टेस्ट और टेक्सचर को डिफाइन करता है। लबाबदार यानी एक ऐसी डिश जिसका बहुत ही ज़्यादा थिक, बटरी, क्रीमी माउथ फील हो। टमाटर जी सीधा इसके अंदर, टमाटर के साथ साथ इसमें जाएगी एक हरी मिर्च और थोड़ा सा काजू। देखते जाइए, ये थोड़े अलग तरीके से बन रही है, लेकिन बहुत ही बढ़िया लबाबदार बनेगा। ये देखिए, टमाटर जो है वो बहुत अच्छे से पिस गया है। अब ये जो प्यूरी है हमारी, इसे हमें पकाना है। यूं इसे चलाते रहेंगे, और अगर ज़्यादा छींटे मारेगा तो ढक्कन लगा दीजिए, कम आंच पे इसे पकने दीजिए, जब तक के टमाटर अच्छे से रिड्यूस नहीं हो जाता। तब तक हम लेंगे एक और पैन। पैन को गर्म करना है और इसमें डालेंगे ज़रा सा ऑयल, जस्ट अ डैश, ठीक है जी। और ये देखिए, टमाटर जो इतने छींटे मार रहा है, अब गैस को हल्का करके इसमें जाएगा ढक्कन। यहाँ पर ऑयल गरम, तो उसमें डालेंगे हम बटा। अब देखिए, जो लबाबदार है वो कायदे से मक्खन में ही बनाया जाता है। तेल इसलिए डाले ताकि बटर बिल्कुल ब्राउन ना हो जाए, और इसी मेल्टिंग बटर में हम डालेंगे तेजपत्ता, और इस मेल्टेड बटर में जाएगा प्याज। बारीक काटेंगे तो बढ़िया रहता है। साथ ही हम लेंगे थोड़ी हरी मिर्च, जिसे चॉप कर लेंगे। सुपर, प्याज को जी अब भूनना है, अच्छे से ब्राउन करना है। और क्योंकि पनीर लबाबदार एक सिंपल सी डिश है, तो इसके अंदर बहुत सारे खड़े मसाले नहीं जाते, जीरा बिल्कुल नहीं जाता। एंड में आप थोड़ा सा गरम मसाला का पाउडर ज़रूर डाल सकते हैं। जब तक ये ब्राउन हो रहा है, हम काटेंगे पनीर। अब देखिए, जो पनीर लबाबदार है उसका जो मसाला है या उसकी जो ग्रेवी है, उसका टेक्सचर बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्रीमी मखमली होने के साथ साथ हल्का सा वो चंकी भी होता है, तो थोड़ा सा प्याज और टमाटर का चंकीनेस, और उसके अंदर ये फाइन प्यूरी करी हुई टमाटर की प्यूरी, ये बनाएगी बढ़िया लबाबदार। ये अगर आपने मास्टर कर लिया, आपने पनीर लबाबदार मास्टर कर लिया। वो जो गारंटी वाली बात करी है ना हमने, वो गारंटी तभी आपकी वैलिड है अगर आप ये स्टेप फॉलो करेंगे। बस इतना करना है आपको, वरना गारंटी एक्सपायर। छेड़छाड़ नहीं करनी रेसिपी के साथ। ये देखिए, प्याज जो है ना हल्का सा ब्राउन होना शुरू हो गया है, ठीक है। इस स्टेज पर हम डालेंगे हरी मिर्च, नहीं, साथ ही बारीक कटी हुई अदरक। इसमें अदरक और लहसुन की पेस्ट ना डालकर, चॉप्ड अदरक जाता है, चॉप्ड लहसुन जाता है ना, मिक्स इट इन। चलो जी, इन बिटवीन ये देख लेते हैं टमाटर। ये देखो जी, गुस्सा खाया हुआ, बहुत ही बढ़िया रंग आ गया इसका, लाल से बिल्कुल ऑरेंज कलर का हो गया। पकने देंगे इसे अभी। और ये देखिए, पक पक करना, प्याज इवनली ब्राउन हो गया है, ये परफेक्ट स्टेज है। यहाँ से थोड़ी देर आप रुके तो ब्राउन से ब्लैक हो जाना है, इसलिए इसमें हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। ये देखिए, अच्छी खासी क्वांटिटी मैंने डाली है, क्योंकि ये तीखी नहीं है, लेकिन बढ़िया लाल रंग देती है। हल्की आंच पर मिर्च को ऐसे पकाना है। उसके बाद चॉप टमाटर, टमाटर को अब हम पकाएंगे। पकाते पकाते थोड़ा सा नमक, टर्न इट अराउंड, टॉस देम हाई हीट पर। इन टमाटरों को मैंने जो भूना है करीबन 10 मिनट के लिए, तो आप देखिए किस तरीके से पक गए, और थोड़ा सा उन्होंने तेल भी छोड़ दिया, तो ये तैयार है। अब देखते हैं इस माशे को। ये देखिए, अच्छे से सूख गया है, टमाटर पक गया है, गाढ़ा हो गया, तो इसी के अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे, ठीक है ना, मिक्स इट अप। और अब इसे सीधा डालेंगे हमारे मसाले के ऊपर,
इस तरीके से अच्छे से उसे छानेंगे, यूं। ये देखिए नाक के बराबर टमाटर की फोक रह गई, इसे नहीं डालना। ये देखिए जी, इसे मिक्स करिए और एक बढ़िया लबाबदार ग्रेवी ऑलमोस्ट रेडी जी, ऑलमोस्ट। इसे रखेंगे इस तरफ। अब इस मसाले को पकाइए 7-8 मिनट हाई फ्लेम पर या मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए, गाढ़ा कर दीजिए और फिर तैयार होगा पनीर। और ये जो मसाला बन गया ना, इस मसाले को फ्रिज में आप 4-5 दिन आराम से रख सकते हैं। अगर इसी मसाले को आप डीप फ्रीज कर देंगे तो महीने भर के लिए डीप में रह सकता है। तो जब भी कोई घर पर आया आपको पनीर लबाबदार बनाना है, इसे निकाला और सीधा स्टेप पे आ गए। सबसे पहले जी जाएगा मक्खन। मक्खन की देखिए क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन आप चाहें तो पोर्शन कंट्रोल कर सकते हैं, जो आपसे होगा नहीं। तो इसको खाइए चीट डे की तरह, ठीक है। अब गर्मा गर्म मक्खन में दो पक्के यार जाएंगे, एक है जी अदरक और दूसरी हरी मिर्च। मिर्ची को अब चॉप नहीं करना, स्लिट करके आप डाल सकते हैं, क्योंकि जितना चॉप करते जाएंगे वो उतनी स्ट्रांग होगी। स्लिट में क्या होता है, खुशबू आती है। तो जी जहां अदरक और मिर्ची सगे यार हैं, उन दोनों का कॉमन फ्रेंड है एक मक्खन। इसी के अंदर थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, ठीक है जी, जरा सी। और फिर जाएगा पनीर। पनीर को मैरिनेट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी ढाबे में मैरिनेट करके नहीं पकाते। ताज़ा पनीर जब ऑर्डर आता है कच्चा निकाल कर तभी डाला जाता है। और पनीर एक बार आपने डाल दिया तो बहुत ज़्यादा तेज तेज नहीं हिलाना उसे। नमक डालेंगे और देखिए जेंटली मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ। अब इसी पनीर के अंदर जाएगा थोड़ा सा पानी। अब ये जो पानी हमने डाला है पनीर के अंदर, वो इम्पॉर्टेंट है। उसके दो काम है। पहला, ये पनीर को अंदर तक गर्म करेगा, जो इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा, जैसे ये गर्म करेगा पनीर को, ये और ज़्यादा सॉफ्ट कर देगा। और क्योंकि हमारा ये जो मसाला है आप देख रहे हैं, पका पका के हमने कितना गाढ़ा कर दिया, ये जब जाएगा इसमें तो इसको पानी की ज़रूरत होगी, जो हमने पहले से डाल दिया ना। गिव इट अ लाइट स्टर। वाह, ये देखिए क्या बढ़िया करी आई है, सुपर। पनीर को भी अच्छे से कोट कर लिया है, बढ़िया लबाबदार तैयार है ऑलमोस्ट। मसाला डालने के बाद 3-4 मिनट पनीर को हल्की आंच पर पकाइए। उसके बाद उसमें जाएगी कसूरी मेथी, उसका पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक और ताज़ा धनिया। अब जी गैस ऑफ, और गैस ऑफ करने के बाद इसमें जाएगी क्रीम, क्योंकि अगर क्रीम को आप पका देंगे क्रीम अपना ऑयल छोड़ देगी, जो ये क्रीमी टेक्सचर है वो नहीं रहेगा। और ये देखिए क्या बढ़िया खूबसूरत पनीर लबाबदार तैयार है। चलिए इसे प्लेट करते हैं। ऑलराइट जी, हमारी तंदूरी रोटी साथ में ये लबाबदार पनीर गारंटी वाला, पैसा वसूल है, टेस्ट डन। बेस्ट पार्ट है हमारी तंदूरी रोटी बटर वाली है, साथ में सर का प्याज गिर गया और हरी मिर्च, सुपर्ब।